Bakış Gelsin Taşa Taş. ने बुलाया तुझसे कुछ बात करनी थी। कहिए ना माँ, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनकी मर्यादा होती है, जिन्हें अपना नहीं बनाया जा सकता। माँ, मैं कुछ समझ नहीं पा रही, आप किस रिश्ते की बात कर रही हैं? मैं तुम्हारे और आदित्य के बारे में बात कर रही हूँ। क्या यह सच है कि तुम और आदित्य एक दूसरे को पसंद करते हो? माँ, ये आपसे किसने कहा? पूर्वा, ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है, मुझे बताओ सच्चाई क्या है। सच्चाई वही है जो आप कह रही हैं, मैं और आदित्य एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। ये जानते हुए भी कि हम दोनों परिवार के बीच में कितनी दूरियां हैं? हाँ माँ, पर अब तो दूरियां खत्म हो चुकी हैं। और वैसे भी वो आपके बाबूजी का घर है जिनकी आप इतनी इज्जत करती हैं। हाँ, वो मेरे बाबूजी का घर है पूर्वा, लेकिन मयंक भी उसी घर का बेटा है। और तुम जानती हो ना मयंक ने क्या किया है? हाँ माँ, मैं कुछ नहीं भूली, मुझे सब याद है। पर शायद आप ये भूल रही हैं कि मयंक की एक गलती की वजह से आदित्य को गलत नहीं ठहराया जा सकता। मैं किसी को गलत नहीं ठहरा रही हूँ बेटा। मेरे एतराज की दो वजह है, एक तो मयंक उस घर का बेटा है, और दूसरा ये कि मैं किसी को मौका देना नहीं चाहती कि मैंने बाबूजी के प्यार का गलत इस्तेमाल किया है। इतना तो तू भी समझ सकती है कि उनकी और हमारे परिवार की हैसियत में कितना फर्क है। हाँ माँ, पर प्यार में हैसियत नहीं देखी जाती। पूर्वा, तू प्यार में अंधी हो गई है, लेकिन दुनिया अंधी नहीं है, उसे सब दिखता है। वो हमारे परिवार पर हंसेंगे। और मैं ये नहीं चाहती कि कोई हमारे परिवार पर हंसे। माँ, मैं दुनिया के बारे में नहीं जानती, जो जानती हूँ बस इतना कि मैं आदित्य को चाहती हूँ। माँ प्लीज समझने की कोशिश कीजिए, मैं आदित्य से बहुत प्यार करती हूँ, मैं उसके बिना जी नहीं सकती। तो मर जाओ, मर जाओ उसके बगैर। तू पागल हो गई है, दुनिया परिवार किसी की तुझे परवाह नहीं है, लेकिन मुझे है। तेरी नादानी की वजह से मैं अपने घर की इज्जत को ताबे नहीं लगा सकती। भूल जा नित्य को, भूल जा। सॉरी माँ, मैं आदित्य को नहीं भूल सकती। जिस प्यार की तुम बात कर रहे हो वो प्यार नहीं, साजिश है। आराधना और साहिल की साजिश तुम्हें मुझसे छीनने की। अम्मा, साजिश आप कर रही हैं पूर्वा को मुझसे छीनने की, और कोई उसे मुझसे नहीं छीन सकता। तुम्हें क्या लगता है कि पूर्वा के घर वाले इस रिश्ते के लिए हाँ कर देंगे? कभी नहीं।
मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। मुझे उनके फैसले से कोई मतलब नहीं है। और तुम्हारे ऐसा सोचने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम चौधरी खानदान के बेटे हो और उस दो कौड़ी की पूर्वा को मैं इस खानदान की बहू नहीं बना सकती। ये मेरा फैसला है। और अगर मैं ये कहूं कि आपका फैसला भी मेरा इरादा नहीं बदल सकता तो आप क्या कहेंगे? मतलब तुमने फैसला कर लिया है कि चौधरी खानदान की इज्जत का खून करके, अपनों की खुशियों का खून करके तुम पूर्वा को अपनाओगे। ठीक है, तो फिर मेरी भी एक बात ध्यान से सुन। पूर्वा इस घर की बहू कभी नहीं बनेगी। अम्मा, मैंने पूर्वा को अपना बनाने का फैसला किया है और मेरा फैसला भी नहीं बदलेगा। वेरी गुड, यही आग चाहिए थी पूर्वा को घर से भगाने के लिए। कुछ करो बेटा, तुम्हारी माँ ने खुद को कमरे में बंद कर रखा है, रो रो कर उसका बुरा हाल, और उधर पूर्वा उसने भी अपना बुरा हाल कर रखा है। क्या करूँ भाई, मेरी खुद समझ में नहीं आ रहा। एक तरफ रिश्तों की मर्यादा है तो दूसरी तरफ हमारी पूर्वा, उसका प्यार, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि कैसे होगा ये रिश्ता। क्यों नहीं हो सकता? मैं ये मानती हूं कि दुल्हन का उस घर से रिश्ता है, लेकिन खून का रिश्ता तो नहीं है ना। ये सच है कि दुल्हन राजदीप साहब को बाबूजी कहती है। मैं कैसे समझाऊं? मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहती हूं कि पूर्वा अपना खून है, अगर उसे कुछ हो गया तो। मैं मानता हूं आपकी बात आई अम्मा, लेकिन मां के लिए वो घर क्या मायने रखता है आप अच्छी तरह से जानती हैं। लेकिन बेटा, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। अब तो दो ही रास्ते हैं, या तो पूर्वा आदित्य से अपना रिश्ता तोड़ दे, या आराधना उस खानदान से अपना रिश्ता तोड़ ले। नहीं दाई अम्मा, नए रिश्तों के लिए पुराने रिश्तों को नहीं तोड़ा जाता। हमारे लिए वो घर, उस घर के लोग भले ही कुछ ना मायने रखते हो, लेकिन माँ के लिए वो घर तो मंदिर समान है। एक ही तरीका है, पूर्वा को समझाना होगा कि वो आदित्य से अपना रिश्ता खत्म कर दे, भूल जाए उसे। लेकिन ये इतना आसान नहीं है। हमें तो डर है कि कहीं कोई जबरदस्ती की गई पूर्वा के साथ तो वो कोई गलत कदम ना उठा ले। नहीं दाई अम्मा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैं हूं ना, मैं उसे समझाऊंगा, मेरी बात मान जाएगी वो। हम तो यही दुआ करते हैं, उसे समझा समझा कर थक गए। है कहां? अपने कमरे में। बेटा, उसे जरा प्यार से समझाना। या अल्लाह, मुझे पता ही नहीं था कि मेरी बहन इतनी कमजोर है कि छोटी सी बात पर रोने लगेगी।
भैया प्लीज आप कुछ कीजिए। मैं तो पक्का कुछ करूंगा पूर्वा, लेकिन तुमने जो माँ के साथ किया ना ठीक नहीं है। कुछ कीजिए। मैं तो पक्का कुछ करूंगा पूर्वा, लेकिन तुमने जो माँ के साथ किया ना ठीक नहीं है। भैया मुझे बहुत अफसोस है, मैंने जो कुछ भी माँ के साथ किया मुझे नहीं करना चाहिए था। पर भैया मैं आदित्य के बिना भी तो नहीं जी सकती ना। अपने भाई को खोकर, अपनी माँ को खोकर मैं आदित्य को नहीं पाना चाहती। पर फिर भी समझ सकता हूँ मैं तुम्हारी तकलीफ। एक तरफ तुम अपनों का प्यार भी पाना चाहती हो, दूसरी तरफ आदित्य को भी नहीं छोड़ना चाहती। लेकिन इसमें मुश्किल ये है कि आदित्य पर आप तो इस रिश्ते की सच्चाई जानते हैं ना भैया। पूर्वा मैं मानता हूँ कि तुम सही हो। चलो एक पल के लिए ऐसा समझ लो कि मैं माँ को माना भी, लेकिन जब तक आदित्य के घर वाले राजी नहीं होंगे तब तक। पर आदित्य तो मेरे साथ है ना भैया। अच्छा इतना विश्वास है तुम्हें आदित्य पर कि वो हर हाल में तुम्हारे साथ रहेगा? हाँ भैया मुझे आदित्य पर पूरा विश्वास है। ठीक है तो मैं सबसे पहले आदित्य से बात करता हूँ। अगर वो मान जाता है तो यूं समझ लो कि तुम दोनों को मिलने से फिर कोई नहीं रोक सकता। ठीक है? थैंक यू भैया। अरे इसमें थैंक्स की क्या बात है, मैं कोई एहसान नहीं कर रहा तुम पर, बल्कि मैं तो एक भाई होने का फर्ज अदा कर रहा हूँ। ठीक है अब ये आंसू वासू बहाना छोड़ो और चल के मेरे लिए एक अच्छी सी कॉफी बनाओ, और हर बार की तरह नमक नहीं शक्कर डालना समझी? हाँ ये ऐसी अच्छी लगी यार। तूने ठीक नहीं किया बेटा, विनी और साहिल के रिलेशन को तुमने जिस नजर से देखा है वो पति और पत्नी के बीच में जो विश्वास होता है ना उसे तोड़ता है। आप ठीक कह रहे हैं पापा, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन पापा अगर विनी की चाल कामयाब हो जाती तो मैं साहिल को हमेशा के लिए खो देती। मायंक और विनी ने मेरे और साहिल के रिश्ते को तोड़ने की पूरी कोशिश की है पापा। कोई बात नहीं बेटा, जिंदगी में न जाने ऐसे कितने ही मोड़ आते रहते हैं जहां रिश्तों की डोर कमजोर नजर आती है, लेकिन अगर विश्वास मजबूत हो तो कोई भी साजिश कभी भी रिश्तों को नहीं तोड़ सकती। आप ठीक कह रहे हैं पापा, लेकिन उस वक्त मैं बहुत डर गई थी, सही और गलत में अंतर करना भूल गई थी। मुझे मेरा साहिल दूर होता हुआ नजर आ रहा था पापा। हालांकि पापा मुझे साहिल पर कभी शक नहीं था, लेकिन विनी ने मुझे इतना डरा दिया था कि मैं साहिल के साथ बहुत बुरा बर्ताव कर बैठी। बीती बातों को भूल जाओ बेटा और अपनी आगे की जिंदगी को संवारने की कोशिश करो। अब फिर से कभी ऐसी गलती मत करना, साहिल को कभी भी शिकायत का मौका मत देना। जी पापा। और बेटा घर पर सब लोग कैसे हैं? सब लोग अच्छे हैं पापा। अच्छा मैं चलूं? बेटा आराधना जी को मेरा नमस्ते कहना। कह दूंगी। बेटा मामा से मिलकर जाती तो अच्छा होता। नहीं पापा मामा को आने में देर होगी, साहिल मेरा इंतजार कर रहा होगा। ठीक है बेटा। बाय पापा। बाय बेटा, टेक केयर। आदित्य मुझे लगता है पूर्वा के घर वालों ने उसके साथ कुछ गलत किया। मुझे भी ऐसा ही लगता है भैया, पर पता कैसे चले
उसका मोबाइल भी स्विच ऑफ आ रहा है। तुम टेंशन मत लो, मैं हूं ना। वो लोग ज्यादा दिनों तक तुम दोनों को एक दूसरे से दूर नहीं रख सकते। साहिल आ रहा है। की बातों में मत आना, जरूर कोई साजिश करने। आदित्य, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है अकेले में। आदित्य से कहो कि तुम्हारा बड़ा भाई यहां बैठा है, जो भी बात करनी है उससे करे। अगर ये लड़की का बड़ा भाई है तो मैं भी लड़के का बड़ा भाई। ठीक है, तो बड़े भाई के सामने बात करते हैं। प्यार करते हो पूर्वा से? पूर्वा ने आपसे क्या कहा? ये मेरे सवाल का जवाब नहीं हुआ। तुम सचमुच मेरी बहन से प्यार करते हो या फिर किसी साजिश के तहत मेरी बहन को फंसाने की कोशिश कर रहे थे? और अगर मैं कहूं कि तुम लोग पूर्वा के बहाने मेरे भाई के खिलाफ साजिश कर रहे हो तो? मयंक, मित्तल खानदान किसी साजिश को अंजाम देने के लिए अपनी घर की बहू बेटियों का इस्तेमाल नहीं करता, समझे? वो सब मैं नहीं जानता, ये तुम्हारा मामला है। हाँ, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि जिस मकसद से तुम यहां आए हो वो बिल्कुल सही नहीं। तुम आदित्य और पूर्वा के प्यार के बीच में जो साजिश करने की कोशिश कर रहे हो उसे अंजाम देना इतना आसान नहीं होगा। बंद करो अपनी बकवास मयंक। साहिल भैया प्लीज, मयंक भैया से तमीज से बात कीजिए, वो जो कह रहे हैं सही है। तुम दोनों की बात से मुझे लगने लगा है कि मेरा शक गलत नहीं था। साहिल, कौन किसके खिलाफ साजिश कर रहा है इस बात को रहने दो और जाओ यहाँ से, वरना। वरना क्या, क्या कर लोगे तुम? वरना मेरे भाई के खिलाफ साजिश करने वालों को छोड़ूंगा नहीं मैं। और मेरी बहन पूर्वा की जिंदगी के साथ जो भी खिलवाड़ करने की कोशिश करेगा उसे मैं नहीं छोड़ूंगा। पर जाने से पहले एक बात और कह दो, पूर्वा को अपने दिमाग से निकाल दो, उसके रास्ते में आने की कोशिश मत करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। साहिल, इससे पहले कि मैं कुछ कर दूं चले जाओ यहां से। आया था आदित्य से जानने कि उसकी बहन को कितना प्यार करता है। बेवकूफ, मेरे सामने कैसे आदित्य बोल देगा कि पूर्वा को भगाकर बहू बनाना है, विदा करवा के नहीं। दाई अम्मा, माँ मुझसे बात नहीं कर रहे, क्या वो मुझे कभी माफ नहीं करेंगी? पूर्वा, सब ठीक हो जाएगा, साहिल को आने दो, हम लोग दुल्हन को मनाने की पूरी कोशिश करेंगे। और बेटा, वो तुम्हारी माँ है, दुश्मन तो नहीं है ना? हाँ, रिश्तों में इस तरह फंसी हुई है जिनसे निकलना आसान बात नहीं है। भैया, क्या हुआ, आदित्य ने क्या कहा? चुका है, अगर वो सुनोगी तो नफरत हो जाएगी उनसे। पूर्वा, तुम्हारे खिलाफ साजिश की जा रही है, आदित्य का प्यार एक धोखा है। बेहतर यही होगा कि तुम आदित्य को हमेशा के लिए भूल जाओ। कुछ भी जहाँ ना था कल तक तेरा मेरा,
वहाँ आज रिश्तों का सौदा होने लगा, चलने लगा इंतकामों का सिलसिला। जब आसमानों की ख्वाहिश होने लगे, इंसानियत अपनी आदत खोने लगे, अब हार किसको मिले।